जी सत्संगत जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और फिर से एक बार गुरु जी ने अपना दरबार लगवाया है, और जब गुरु जी हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो छोड़ते भी तो नहीं है ना, ये तो सभी को पता है। तो ऐसे ही गुरु जी के चरणों में एक अरदास, गुरु जी ऐसे ही अपने अंग संग बांधे रखना, गुरु जी अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना गुरु जी। और आज फिर से गुरु जी के चरणों में प्यारा सा गुणगान करेंगे और गुरु जी का सत्संग करेंगे जो गुरु जी ने खुद दिया है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि जो आंसर्स है गुरु जी के वो सभी तक पहुंच सके। जय गुरु जी। तो आज कुछ अलग अंदाज में जैसे गुरु जी ने सिखाया है, तो गुरु जी के लिए कुछ लाइनें गुरु जी के चरणों में समर्पित, सभी सभी अर्पित करेंगे अपने अपने, ठीक है, आंखें बंद करके सब गुरु जी को याद करेंगे। महाराज आ गए हैं दरबार में, सबसे पहले गुरु जी को माथा टेकेंगे जैसे सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्यारे से दो शब्द, दो लाइनें गुरु जी के लिए सभी सभी गाएंगे, ठीक है, सभी गाएंगे अपने अपने घर पर बैठ के गुरु जी को याद करते हुए। गुरु जी आपके पास बैठे हैं, गुरु जी दरबार में आए हैं, साक्षात गुरु जी आपके पास हैं। एक बार पास में याद करके देखो दिल से, वो पास में बैठे हैं और गुरु जी के लिए आज सभी सभी गुरु जी के लिए थोड़ा सा गाएंगे, ठीक है। जय गुरु जी। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान तेरा, मानूंगी एहसान। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान, मानूंगी एहसान। संकट हमारा कौन टलेगा, संकट हमारा कौन टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सभी गुरु जी को आवाज देंगे, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लो। गुरु जी ने ये दरबार किस लिए लगवाया है, अपने पास बुलाने के लिए, सभी को ब्लेस करने के लिए। ये गुरु जी कहते थे दरबार तब लगता है जब महाराज की आज्ञा होती है, नहीं तो हम कौन होते हैं बोलने वाले गुरु जी के पास बैठ के, कोई भी नहीं होते हैं। तो आज सभी प्यार से एक बार और फिर से गुरु जी को आवाज लगाएंगे क्या। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन टलेगा, संकट हमारा कौन टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, है तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। संकट हमारा कौन टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का हाथ, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी से मिलना किस किस को पसंद है? कौन कौन गुरु जी के मिलने के लिए तरसता रहता है? कौन कौन गुरु जी को देखने के लिए तरसता रहता है? सब भी यहाँ पे अरदास लगाएंगे और गुरु जी को याद करेंगे। गुरु जी के लिए दो लाइनें, गुरु जी से मिलने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा बेचैन रहती हूँ। आज इतना रोई हूं ना मैं बड़े मंदिर जाने के लिए, बहुत दिन हो गए। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने पापा से मिलने जाऊं। तो ये लाइनें गुरु जी के लिए, मैं नहीं आप भी गाएंगे साथ में क्या? तुमसे मिलना पाते करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है। डुगरी जाना दर्शन पाना बड़ा अच्छा लगता है, शीश झुकाना भजन सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ऐसे ही गुरु जी से एक वादा करना है साथ साथ में। क्या वादा करना है गुरु जी से? कौन कौन क्या क्या वादा कर सकता है, क्या करना चाहता है? मैं तो गुरु जी से वादा करूंगी तो यही करूंगी, गुरु जी मुझे तो आप ही चाहिए। हाथ पकड़ लो, बस टाइटली हाथ पकड़ लो, छोड़ना मत, ये मेरा वादा है। गुरु जी हाथ मत छोड़ना। तो गुरु जी से एक और वादा करेंगे। क्या वादा करेंगे? मर के भी ये वादा अपना तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, मर के भी ये वादा हम ना तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे। अपना सदियों जन्मों का नाता है, नाता है, और कौन जान को जान से जुदा कर पाता है। जय गुरु जी। कौन है, कौन है जो हमें गुरु जी से जुदा करेगा? कोई भी नहीं है। सब कुछ भूल के जो गुरु जी के भक्त है ना, गुरु जी के जो बच्चे हैं, जो उनकी प्यारी प्यारी संगत है, प्यारी प्यारी उनके बच्चे, छोटे छोटे बस बच्चे आजकल गुरु जी का कितना गुणगान करते हैं, उनको क्या है? इतने पैसे वाले लोग हैं, वो गुरु जी का गुणगान करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्यार चाहिए गुरु जी से, आशीर्वाद चाहिए गुरु जी से। तो गुरु जी से एक वादा है, यही वादा है गुरु जी, मर के भी ये वादा अपना तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे। अपना सदियों जन्मों का नाता है, आता है, और जान को जान से कौन जुदा कर पाता है। तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा प्रभु, हो जिंदगी का गुजारा प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। एक और अरदास गुरु जी के चरणों में छोटी सी, फिर से सभी मिलके गाएंगे, सभी गुरु जी के चरणों में आज अलग अंदाज में जो गुरु जी ने बख्शा है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बादल फट जाए, धरती अब फट जाए, जो मर्जी हो जाए, संगत जी गुरु जी के बच्चे हो ना, पेशेंस, हैव पेशेंस। दुख है, सुख है, रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, अनंतम शुक्राना, ऑलवेज शुक्राना। वो शुक्राना कहाँ आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ना, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना है। क्यों शुक्राना करना है? क्योंकि जो हमारे पास है तनों के पास वो भी नहीं है। तो गुरु जी ने जिंदगी दी, अपने आप को अपने से जोड़ा है हमें, तो फिर
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ शुक्राना करना है और प्यारा सा शुक्राना गुरु जी के चरणों में आप भी गाओगे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। चाहको तो सब का है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो। चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे हम सवर जाएंगे, हो हम सवर जाएंगे। जय गुरु जी। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, पापा तेरी यारी को मैंने सब कुछ माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का ये पल बख्शने के लिए। आज सभी संगत गुरु जी से, और शायद मैं तो बहुत छोटी हूँ तो मेरा माइंड भी शायद कम ही चलता हो, गुरु जी जानते हैं, तो मैं तो गुरु जी से गुरु जी को मांगती हूँ, शायद इससे बड़ी तो कोई दाती नहीं है मांगने वाली, है ना। जब गुरु जी मिल गए तो और क्या चाहिए। जय गुरु जी वरुण अंकल, जय गुरु जी। तो और चाहिए क्या, गुरु जी मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो आज सब वादा करेंगे गुरु जी से, अरदास करेंगे, जो जो अभी हमने भजन गाए हैं गुरु जी के लिए, एक दो लाइनें गाई हैं, तो गुरु जी ये वादा है, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वादा जिस दिन कर लिया ना, उस दिन गुरु जी ने आपका सब कुछ दे दिया आपको, बिन बोलिया सब की जानता। ये वो दरबार है जहां बोलने के बाद बहुतों को कुछ नहीं मिलता है ना, लेकिन ये वो दरबार है जहां बिन बोले सब कुछ मिलता है। तो गुरु जी बिन बोलिया सब की जानता, तो हमारे गुरु जी जैसा शायद ही कोई हो, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अब प्यारा सा सत्संग गुरु जी के चरणों में रखेंगे, और ये गुरु जी ने बख्शा है। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ आज लाइव, क्योंकि मेरे हो गई थी थ्रोट की प्रॉब्लम, गले में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं बड़े टाइम से लाइव नहीं आ पा रही थी, ये गुरुजी ने खुद बोला था मुझे रेस्ट करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे बोला था गुरुजी ने। देखो गुरुजी जान ही जाने, वो सब कुछ जानते हैं, भूल चुक माफ करना कोई गलती हो जाए सत्संग में। तो महाराज जो आज बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी, क्योंकि गुरुजी का दरबार उनकी आज्ञा से लगा है, मैं बैठी उनकी मर्जी से हूँ, आप भी आए हो उनकी मर्जी से हो, है ना। तो जो गुरुजी आज बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी और आप वही सुनोगे, ठीक है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी पल बख्शने के लिए। आज सत्संग करवाया गुरुजी ने, पूरे 2 महीने बाद आज मैं सत्संग पे बैठी हूँ, 1.5-2 महीने बाद। और जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते ना तो वो छोड़ते नहीं है, ये तो माइंड से निकाली तो गुरुजी ने पकड़ा है तो वो छोड़ देंगे नहीं, नेवर, चाहे कुछ हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ सकते हो बट वो नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी 1.5 महीने पहले, क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है, ऑनलाइन वर्क है मेरा कॉलिंग का, तो कॉलिंग करते करते कंटिन्यू मेरे गले में दाने हो गए थे, छोटे छोटे टॉन्सिल्स हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे रेस्ट लेना पड़ा, जॉब से रेस्ट ली। बट जो सेवा गुरुजी देते थे ना डेली की, उससे रेस्ट मेरे से नहीं लिया जा रहा था। बड़ा दुख होता था कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, चलो जॉब तो मैंने छोड़ दी बट मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं गुरुजी की बच्ची हूँ और गुरुजी मेरे पापा हैं, और आप सबके भी हैं, जो जैसे रूप आप उनको अपना दिखा मानते हो, उनको पापा वाला, हस्बैंड वाला, भाई वाला, जैसे आप उनको मानते हो वो वैसे दर्शन देते हैं आपको, वैसा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा पापा मैं तो कैसे करूंगी, क्या करूंगी, आपकी सेवा भी नहीं हो पाएगी। बड़ा नर्वस मैं, बड़ा शायद मेरे मन में पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, गुरुजी जानते हैं ये क्या, मेरा अटैचमेंट है गुरुजी से, क्या प्यार है, ये गुरुजी की बेटी गुरुजी ही बोलते हैं, मैंने नहीं बोला, ये गुरुजी बोलते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, गुरुजी ने खुद सामने से मुझे बोला,
गुरुजी सामने से मतलब का क्या है, गुरुजी टेलीपैथी आंसर देते हैं, गुरुजी किसी संगत के थ्रू आंसर देते हैं, गुरुजी किसी मैसेज के थ्रू आंसर देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर मैसेज गुरुजी का हमारे लिए आंसर होगा, नहीं, हर मैसेज हमारे लिए आंसर नहीं होता। क्योंकि कुछ आजकल मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल कुछ ऐसी संगत भी है जो एडिटिंग करते हैं मैसेज पे, गुरुजी की फोटो को लेकर एडिटिंग करते हैं, पुत्र, जहां पुत्र लिखा होता वहां गुरुजी तो पुत्र कभी बोलते ही नहीं थे, गुरुजी अब पुत्र वर्ड तो यूज ही नहीं करते थे, लेकिन आपने कहीं देखा होगा पोस्ट में पुत्र लिखा हुआ होता है, हुण पुत्र तेनु ब्लेस कर देता। कुछ होता है जो कुछ संगत जो है एडिट करती है, ये गुरुजी से डायरेक्ट इसलिए कह, गुरुजी कहते थे क्योंकि जो समय आएगा ना बड़ा माड़ा आएगा, गुरुजी क्यों कहते हैं मेरी संगत मुट्ठी में, क्यों कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं क्योंकि बहुत से जो संगत है ना गुरुजी के नाम पे क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। कई पोस्ट मैंने ऐसे देखे, ये वाला जादू टोना करवा लो, ये ऐसे करवा लो, उसकी शादी हो जाएगी, वशीकरण, पता नहीं क्या क्या गुरुजी की पोस्ट डाल के। इट्स वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आप ऐसी संगत को रोको, जहां आप देखो ना संगत जी वहां रोको, बोलो उनको, उनकी पोस्ट लाइक मत करो। मैं कह रही हूँ वो अपने आप छोड़ देंगे डालना। गुरुजी यहाँ पे बिल्कुल इसके खिलाफ थे गुरुजी, दिस इज रॉन्ग। वो भगवान का औहदा आप कम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। भगवान है वो, महाशिव है, हम उनके पास बैठे ना हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दात है ये गुरुजी की, हम उनके पास बैठे हैं। बट हमें एडिटिंग करने वालों को हमेशा टोकना है, बोलना है, ठीक है। मैं ये मैसेज जरूर देना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बोला, ये मैंने नहीं बोला, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं। फिर कल भी ऐसे हुआ था, बहुत सी संगत पोस्ट करती है और गुरुजी कभी पुत्र वर्ड यूज करते ही नहीं थे अपने फिजिकल फॉर्म में, उन्होंने पंजाबी में कभी पुत्र वर्ड यूज ही नहीं करा, ये मैंने खुद सुना है ओल्ड संगत से, सच में, और ये रियलिटी है, ठीक है। तो इसलिए गुरुजी जो, जय गुरुजी। तो इसलिए गुरुजी से क्या करना, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। सबसे पहली बात, सत्संग का मतलब क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से प्यार डायरेक्ट करो, गुरुजी से बोलो डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट बोला गुरुजी मैं कैसे सेवा करूंगी। गुरुजी ने खुद कहा कि भाई हेल्थ इशू जब होता है ना तो अपनी हेल्थ देखना भी बहुत जरूरी है गुरुजी के लिए। गुरुजी सबसे पहले जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो गुरुजी हेल्थ हमें ब्लेस करते हैं, हमारे को हेल्थ ब्लेस करते हैं, जितने भी हमारे कर्म है, जितनी भी हमें बीमारियां, वो अपनी तरफ ले लेते हैं गुरुजी, उन्हें कम करते हैं धीरे धीरे। गुरुजी इतना तप करते थे, इतना पाठ करते थे ना, आपको नहीं पता गुरुजी ने फर्स्ट टाइम कैसे ब्लेस किया था, आपको पता है, बताऊंगी मैं जरूर अगर गुरुजी ने चाहा तो। मुझे शिव अंकल का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने बताया था सत्संग में, मैंने सुना था। तो इसलिए गुरुजी बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, कुछ हमें भी करना है गुरुजी के लिए, क्या करना है हमें, सिर्फ बस भाव, भाव और प्रेम बस, और कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए गुरुजी को, ये एडिटिंग नहीं चाहिए, उल्टा सीधा गुरुजी का पोस्ट डाल के कुछ भी डाल देते हैं आजकल लोग, इट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप उनके रोकोगे आज से, जो भी आप देखोगे आप उन्हें टोकोगे जरूर, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं वो पोस्ट होती रहेगी। इसलिए अभी कुछ टाइम पहले भी गुरुजी की कोई संगत है और ओल्ड संगत का सत्संग लेके उन्होंने, अंकल का सत्संग लेके उन्होंने गुरुजी को, गुरुजी की फोटो एडिट करके उन्होंने क्या लिख दिया उस पर, ये गुरुजी की वॉइस है, जबकि वो अंकल की वॉइस थी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो एडिटिंग नहीं करनी है, और जैसे कि, और गुरुजी का ब्लेस सत्संग, और जो आज गुरुजी बुलवाएंगे, दरबार गुरुजी ने लगवाया, जो जो गुरुजी आज बुलवाएंगे, मुझे तो नहीं पता गुरुजी कौन कौन से सत्संग करवाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग है, बहुत दिनों से मैं सत्संग में नहीं बैठी थी, और बहुत दिनों से गुरुजी कहते हैं ना सत्संग किया करो, और जब गुरुजी ब्लेस करते हैं ना तो वो कहते भी है बताया करो, सत्संग किया करो, सत्संग से नहीं, पीछे नहीं हटना कि नहीं करना सत्संग, करना है सत्संग, गुरुजी कहते थे सत्संग सिमरन सेवा करो। इसलिए गुरुजी जब भी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी कहते थे बीच बीच में से खड़े होके, चल सत्संग कर। तो कभी भी नहीं डरना कि कोई आपसे बोले सत्संग करो कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, नहीं करना है सत्संग, सबको लगता है हेजिटेशन सबको होती है बट करना है, ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे गुरुजी ने मुझे ड्रीम भी दिए हैं, काफी ड्रीम में ब्लेस करके जाते हैं गुरुजी ने, बहुत ब्लेस करा है, पल पल ब्लेस करा है, हर अंग संग रहते हैं वो मेरे, हर पल बोलती हूँ मैं, अभी आवाज लगाऊंगी वो अभी आ जाएंगे, वो अभी आंसर दे देंगे मुझे। तो जरूरी नहीं है अभी भी दें, हर संगत को अभी दें, दो घंटे बाद दें, वो उनकी परफेक्ट टाइमिंग होती है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना गुरुजी हम आवाज लगा रहे हैं गुरुजी ऐसा नहीं हो रहा, गुरुजी ऐसा नहीं हो रहा, कब होगा, वो उनकी परफेक्ट टाइमिंग से होगा। बहुत संगत ऐसे परेशान रहती है गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद, अगर अंकल जुड़े होंगे तो उनको आंसर शायद मिल रहा होगा, परवेज अंकल को,
तो अंकल मैं कहना यही है कि अगर आप गुरुजी को मान रहे हो ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। गुरुजी कहते हैं पेशेंस रखो, सबर रखो। मैं भी बहुत सबर रख रही हूँ, गुरुजी जानते हैं मैंने बहुत सबर रखा और मैं रख रही हूँ, बहुत सबर रख रही हूँ मैं गुरुजी से, गुरुजी जानते हैं। तो इसलिए गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है और कभी भी नर्वस नहीं हो रहा, गुरुजी को कभी ब्लेम नहीं करना, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी मैं तो आपसे नाराज हूँ। गुरुजी से नाराज हो गए ना जिस दिन, अगर फिर गुरुजी नाराज हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए। ठीक है, तो मैं आपको सत्संग सुना रही थी, अभी लास्ट मैं आपको आपका कल का लेटेस्ट सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। कल ऐसा हुआ कि अब कल से ना मैं बड़ी खुश थी, आंटी कंचन दीदी ने बोला सत्संग करना है, बड़े 1.5 महीने बाद मैं आई प्लेटफॉर्म पे और 1.5 महीने बाद मैं गुरुजी का गुणगान कर पा रही हूँ। तो बड़ा मन में आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा गुरुजी, और गुरुजी पल पल सुनते हैं। मैं सुबह सुबह अपना खाना बनाते बनाते गुरुजी से बातें करने लग गई मन मन में, गुरुजी का चारों तरफ स्वरूप है ही, तो गुरुजी जहां दिख जाते हैं सुबह उठते ही माइंड में पता है क्या थॉट आता है, आपकी क्या आता है संगत जी? मेरे तो सुबह उठते ही दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ गुरुजी माइंड में। जैसी मेरी आंखें खुलती है ना सुबह, जब मैं सवेरा देखती हूँ, आंखें जब पंखे की तरफ जाती है, मेरी दीवार की तरफ जाती है ऊपर, तो जय गुरुजी निकलता है मुंह से, निकलना भी चाहिए। किसकी किसकी उससे जी रहे हैं हम? सिर्फ गुरुजी से जी रहे हैं हम, उनकी दाद से जी रहे हैं। आज का टाइम देखा कितना माड़ा टाइम आएगा, गुरुजी कहते हैं इतना माड़ा टाइम आएगा पंजाबी लैंग्वेज में, सॉरी मुझे तो आती नहीं गुरुजी, अगर गलती हो जाए तो, कितना बुरा टाइम आएगा। सबको हेल्थ इश्यूज है, सबको फाइनेंशियल इश्यूज है, सबको पर्सनली रिलेशन इश्यूज है, कितना सब कुछ हो रहा है ना। क्या है हमारे पास? महाशिव है और हमें क्या चाहिए? जय गुरुजी रजनी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी वरुण भैया, जय गुरुजी। तो यही है। तो मैं कल खाना बना रही थी और गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी अब तो मैंने, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और वो ट्रीटमेंट 6-6 महीने का था, वो जो डॉक्टर ने मुझे बोला अभी ये ठीक नहीं होगा, अभी टॉन्सिल्स है आपके, वो अभी हुए नहीं है ठीक, दाने हैं अभी और वो बड़े धीरे धीरे होंगे, आपको ना बोलना छोड़ना होगा, बिल्कुल बोलना नहीं है आपको, यही आपकी दवाई है, मुझे डॉक्टर ने बोला, अंबेडकर वाले डॉक्टर ने। देखो गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है, अगर मानोगे तो सब कुछ है, मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक बीमारी से नहीं ब्लेस करा, सिर्फ बीमारी ही ब्लेस नहीं करी गुरुजी ने, मुझे ठीक ही नहीं करा गुरुजी ने, मुझे लाइफ बख्शी है, मेरे ये स्टोन ठीक करा है गुरुजी ने, अब मेरे थ्रोट की प्रॉब्लम भी ठीक कर रहे हैं गुरुजी। देखो कैसे कर्म काट रहे हैं गुरुजी, मेरे कर्म है ये, मैं करके आई हूँ तो गुरुजी काट रहे हैं, ये सेवा करवा के काट रहे हैं गुरुजी। देखो 1.5 महीने गुरुजी ने मुझसे खुद कहा तू रेस्ट पे बैठेगी, मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि ज्यादा हो गया था, बिल्कुल बोल आवाज ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा ऑपरेशन बोल दिया था मुझे, ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है गले का ऑपरेशन, तो मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं मैं रेस्ट लूंगी, लेकिन गुरुजी आपकी सेवा कैसे करूंगी, 1.5 महीने पहले की बता रही मैं आपको, सेवा कैसे करूंगी मैं आपकी। तो मन में बड़ा निराश, धीरे धीरे मैंने यहां से दरबार, फिर मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी रेस्ट ले लूं। आपको पता है फिर क्या हुआ, जहां मैं सेवा करती हूँ ना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सेवा करती थी, जहां मेरी कंटिन्यू रोज डेली सेवा होती थी, जहां गुरुजी ने मुझे बख्शी हुई थी शुक्राना पर, दिव्या आभा बख्शा हुआ था गुरुजी ने, नरेंद्र धन अंकल है उनकी, उन्होंने सत्संग काफी किए हैं, उनको गुरुजी ने वचन बोले हैं, वो बख्शे वहां पे उनकी बुक्स थी तो वो रीड करना होता था, तो मैं डेली गुरुजी वहां सेवा करवाते थे, सत्संग करवाते थे डेली, ओल्ड सत्संग हमें पढ़ना होता था, तो हो रहा था 1.5 महीने से ये, लेकिन वो एकदम से रुक जाए तो बड़ा मन को मेरे को वो बेचैनी होती थी, गुरुजी मैं कैसे करूंगी। तो पता है गुरुजी ने क्या कहा, ये तो रुकेगी नहीं, मैं इसको रोकता हूँ। पता है गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सेवा करती थी ना सत्संग जी, उस प्लेटफॉर्म का मैं कह रही हूँ, जो उस प्लेटफॉर्म के जो अंकल है, जो ऑनर वहां के वो बने हुए एडमिन है, एडमिन के साथ टेक्निशियल जो जिनके हाथों में सब कुछ पूरा प्लेटफॉर्म है, एक एक चीज देखते हैं वो, चेक करते हैं, उन्होंने भी ट्राई कर लिया, एडमिन ने भी ट्राई कर लिया, मैंने भी ट्राई कर लिया, मेरे अंकल है उन्होंने भी ट्राई कर लिया, सब ने कर लिया ट्राई, लेकिन वहां पे मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। अब ये देखो आप, मैं लाइव क्यों नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं रही थी, मैंने काम तो छोड़ दिया था, लेकिन मैं ना सेवा करती थी, मैं डेली करती थी, रीडिंग भी करती थी, सब कुछ करती थी जो मेरी सेवा हो रही थी, लेकिन रेस्ट प्रॉपर लेना था कुछ टाइम तक। तो गुरुजी ने कहा जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, कोई रुकने वाले किसी के कहने से रुकनी नहीं है इसको, इसको सेवा करनी है तो चलो मैं ही रुक देता हूँ।
तो गुरु जी ने वहां से मेरा पत्ता कट दिया, साफ कर दिया वहां से। बड़ी कोशिश कर ली सबने, वहां के जो टेक्निकल जो भी हैं अंकल, जो जिनके हाथ में प्लेटफॉर्म पूरा पेज है, वहां के एडमिन है, मेरे अंकल है, मैं हूँ, कितनों से मैंने हेल्प ले लिया, अर्चना आंटी है, आरती आंटी है, मैंने सबसे हेल्प ले ली, जो भी संगत है जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं आ पा रही। आपको पता है कल क्या हुआ? उसके बाद कल मुझे ऐसा फील हुआ, कल से मतलब आप देखो वन वीक पहले से मैंने ट्रीटमेंट अपना छोड़ दिया। मैंने ट्रीटमेंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देखो जॉब करनी भी जरूरी है, फैमिली में कोई नहीं है अर्निंग के लिए, एक मम्मा है हेल्प बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो भी, ठीक है, दूसरा कोई नहीं है तो मुझे भी करनी है, इसलिए मैं काम कर भी रही थी। 21 ईयर की अब हुई हूँ अगस्त में, तो मैंने मेहनत करी, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती हूँ और हटना भी नहीं चाहिए, मेहनत ही रंग लाती है, इसीलिए तो मेहनत करी। लेकिन बीच में मैंने काम छोड़ दिया 1.5 महीने, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी होने लगी, तो मन में यही आया देखो काम भी नहीं हो रहा, सेवा भी नहीं हो रही, अब गुरुजी अब तो आपके हाथ में ही है, देखो बहुत रेस्ट हो गया 1.5 महीने, अब तो मेरे को काम भी करना है। तो मैंने प्लानिंग करी अपनी 20 के बाद, मैं दोबारा इस 20 के बाद ज्वाइन करूंगी, 20 सितंबर के बाद। मैंने अपने सर को बोल दिया, कह रहे ठीक है ज्वाइन कर लेना आप दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं सेवा भी दोबारा करूंगी, अब मैंने कहा चल जॉब करूंगी तो फिर मैं सेवा भी कंटिन्यू करूंगी अपनी। तो गुरुजी अब मैं लाइफ तो आ नहीं रही थी वहां पे, मैं करूंगी कैसे, मुझे बड़ी टेंशन हो गई, मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया और 1 वीक पहले मैंने ट्राई किया सत्संग जी, आज फ्राइडे है, मैंने पिछले फ्राइडे से मतलब करा होगा, मतलब विद इन 1 वीक मैंने ट्राई करा, मैं तब भी लाइव नहीं आ रही थी, आपको पता है तब भी नहीं आ रही थी, मैं रो गई थी। मैंने कहा मैं एडमिन अंकल हैं जो जिन अंकल ने मुझे सेवा बख्शी है, मैं उनको कॉल करूंगी, मैं कहूंगी अंकल एक बार और आप टेक्निकल जिनके हाथ में है उनको बोलो वो कुछ देखे मेरी आईडी क्यों नहीं मैं लाइव आ रही हूं। तो ये नौमत ही नहीं आने दी गुरु जी ने, मैंने कॉल ही नहीं करी उनको। ऐसा हुआ कल जैसी मैं सुबह उठी तो पहली बात तो मेरी कंचन दीदी से बात हुई कि सत्संग करना है, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा वाह 1.5 महीने बाद गुरुजी ने दाद बख्शी है, चलो सत्संग करेंगे। उसके बाद मेरे मन में फिर वही बड़ी टेंशन हो गई, अब मैं कंटिन्यू सेवा कैसे करूंगी। तो आपको पता क्या हुआ, मैंने गुरुजी से एक बात की वहीं पे बैठे बैठे, मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप के पास जाके, गुरु पापा मैं ना आज अंकल से बात करूंगी, आपको ना आपने पिछली बार तो आपने ही रोका है वो, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ और आप ही करोगे जो कुछ करोगे, अब मैं लाइव आनी चाहिए, मुझे सेवा करनी है, अब आप देख लो। देखो मेरा बस इतना कहना है और मैंने वो पेज ओपन पहले करके ट्राई कर, मैंने कहा चल पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, गुरुजी को मैंने बोल दिया और 100% ऐसा होगा, ये मेरे मन में पहले ही था कि 100% गुरुजी ये मिरेकल करेंगे करेंगे, क्योंकि गुरुजी की मिरेकल कोई नहीं जान सकता। उन्होंने रोका था, पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो पेज ओपन किया शुक्राना वाला, मैं लाइव आने लग गई। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, देखो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, मतलब गुरुजी पल पल सुनते हैं, पल पल सुनते हैं। देखो मैंने बोला गुरुजी मैं लाइव आ जाऊं और मैं लाइव आने भी लग गई, ना मैंने अंकल का कॉल किया ना मैंने कुछ किया और मैं लाइव आने लग गई। मैं इतनी खुश हुई, मैं कल से इतना पुदक रही हूँ ना, इतनी इधर से उधर इधर से कूदे जा रही हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया, ये हमने क्या मिरेकल, वाओ गुरुजी शुक्राना मेरे पापा आपने इतना बड़ा मिरेकल किया। मुझे पता था ये आप ना मेरे साथ थोड़ा सा मुझे रेस्ट दिलवाने के लिए आपने रोका था और अब आपने दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। देखो किसी ने कुछ नहीं किया, रोका गुरुजी ने खुद था वहां से और खुद ही गुरुजी ने कंटिन्यू करवा दिया, ऐसे है मेरे गुरुजी। अब ऐसा हुआ ये मिरेकल गुरुजी का, अब कुछ टाइम पहले अभी मेरे को कैलिफोर्निया से भी आंटी ने शायद रजनी आंटी जी ने मुझे बोला था सत्संग के लिए, अभी वो है भी, तो वहां पे भी मुझे सत्संग कर, मेरा बड़ा मन होता है मैं सत्संग करूं। मेरे को कोई भी बोलता है ना, मतलब कोई भी संगत, आंटी जी ने बोला मुझे कि बेटा आपको सत्संग करना है कैलिफोर्निया प्लेटफॉर्म पे, कोई संगत जी है वो करवाते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी मैं करूंगी। और आपको पता मैंने गुरु जी से प्रे की, जब मेरा, मैं आपको बता रही हूँ 1.5 महीने पहले की बात है ये, मतलब जब मेरे गले की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब की बातें हैं, जब शिवरात्रि गई थी, गुरुजी का बर्थडे भी गया था, शिवरात्रि भी गई, जन्माष्टमी भी आई, तब की ये बात है, 1 मंथ हो गया इस बात को भी, जन्माष्टमी को भी, तो नहीं 1 मंथ नहीं हुआ अभी, 1 मंथ होने वाला है 19 को। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा गुरुजी मैं सेवा करूंगी आपकी, तो मैं नहीं कर पा रही, गले की प्रॉब्लम ऐसी हो रही, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था उस टाइम, कंटिन्यू जा रही कंटिन्यू, लेकिन वो सेवा नहीं हो पा रही थी क्योंकि गुरुजी को उस टाइम मुझे बुलवाना ही नहीं था, जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर रोक दिया कि तू सेवा नहीं करेगी तो अब तू रुक जा भी, थोड़ा रेस्ट कर।
और जो अंकल थे ना वहाँ के जो एडमिन अंकल है सुरेश वासन अंकल जी, मेरे बहुत कुछ है वो, मेरे तो परम पिता जैसे, वो भी मेरे बहुत कुछ है मेरे लिए। वो गुरुजी है, गुरुजी का भी मतलब गुरुजी की भेजी हुई एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत मैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ उनका हमेशा। वो सुन नहीं रहे हैं लेकिन वो उन्हें जानते हैं, वो समस्या है तो समाधान भी है। प्लीज ये जो भी संगत कनेक्ट हुई है अभी अभी और ये जो मैसेज करा है इसको प्लीज अभी के अभी डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल अभी के अभी डिलीट कर दीजिए प्लीज, गुरुजी के लिए, फॉर गुरुजी से इसको डिलीट करिए। यहाँ सत्संग हो रहा है, गुरुजी का गुणगान हो रहा है, प्लीज ये जितनी जो भी संगत है आप इनको प्लीज पर्सनली मैसेज करके डिलीट करवाएं, कोई भी संगत ये करें सेवा। तो ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मेरे को सेवा करनी है, तो गुरुजी ने तो उस टाइम मुझे मना ही कर रखा था। फिर आई शिवरात्रि, तो शिवरात्रि वाले दिन मैं रोज गुरुजी को याद करके सोती हूँ, मेरी यह आदत है, शायद यह आदत है, इसको आदत ही बना लो आप भी शायद मेरे हिसाब से, मैं उसको आदत ही बोलूंगी, वो इसलिए बोलूंगी जय गुरुजी सुनील अंकल, मैं इसको आदत इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये जैसे मैं रोटी खाती हूँ ना वैसे मैं गुरुजी को याद करती हूँ, मेरे लिए जितनी जरूरी मेरे लिए आना है ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे गुरु पापा को याद करना है, उनकी सेवा करना है, वही मेरा जीवन है। तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी, मैं रोज याद करके सोती हूँ। आई शिवरात्रि, तो शिवरात्रि वाले दिन ऐसा हुआ गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। मैं मेरे को काफी टाइम हो गया शायद, हाँ पिछले 2 महीने हो गए मैं ना बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, पूरे 2 मंथ्स होने वाले मेरे को, और आज मैं इतना रोई हूँ ना सत्संग से पहले कि मुझे बड़े मेरे घर क्यों नहीं बुला रहे हो, बड़े दिन हो गए पापा मुझे घर बुला लो, पता नहीं क्यों मैं रोई हूँ गुरुजी के पास बैठ के, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे बड़ी याद आ रही है, 2 महीने हो गए मैं अपने घर नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी बुला लो। अब शिवरात्रि वाले दिन देखो, आप शिवरात्रि थी जिस दिन महाशिवरात्रि थी, अभी सावन वाली जो शिवरात्रि आई थी, तो उस जिस दिन जल था, जल वाले दिन गुरुजी ने मुझे साक्षात टेलीपैथी दर्शन दिए, खुद बैठे हुए। कहाँ पे बैठे हुए? बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर की जो 7 सीढ़ियां बनाई हुई है ना गुरुजी ने, 7 सीढ़ियां बनाई हुई है गुरुजी ने। ये बिल्कुल हटा दो जेपी शास्त्री, बिल्कुल हटा दो ये कमेंट, बिल्कुल हटा दीजिए प्लीज, जय गुरुजी, बिल्कुल। कंचन दी आप इनको पर्सनली मैसेज करें, कोई भी संगत आप इनको पर्सनली मैसेज करें, ये डिलीट करवाएं गुरुजी की सेवा में, हटाओ बिल्कुल इसको, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल पसंद नहीं मेरे गुरुजी को ये, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल नहीं, ये हटा दीजिए बिल्कुल प्लीज, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मैं गुरुजी को याद करके सोई। मैंने कहा गुरुजी इतने दिनों से मैं बड़े मंदिर तो आ नहीं पा रही हूँ, गले की प्रॉब्लम चल रही है, हॉस्पिटल के चक्कर में ना जा पा रही हूँ ना सेवा हो रही है, बड़ा मन उदास उदास सा, उखड़ा उखड़ा सा हो रहा है। तो गुरुजी आप ना प्लीज मुझे दर्शन दो, गुरुजी प्लीज मेरे को ब्लेस करने आओ, मुझे ड्रीम में दर्शन दे दो, चाहे आप जैसे भी कर लो गुरुजी, लेकिन मुझे अपने पास बुलाओ, दर्शन दो मुझे, बस मैं याद करके सोई हूँ। आपको पता है गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए टेलीपैथी, गुरुजी को सिर्फ याद करने की देर है, दिल से गुरुजी ने साक्षात बैठे हुए जो वो गुरुजी की 7 सीढ़ियां जो स्टेयर्स बनाई हुई है ना गुरुजी ने, आपने देखा होगा अंदर जाके 7 स्टेयर्स हैं, वो 7 किस किस चीज की आपको पता है? वो 7 स्टेयर्स इसलिए बनाई है उस पर झुकना नहीं है, आप उसको कभी भी मत झुका करो, जो भी वहां मत्था टेकता है आपसे नहीं टेकेगा, गुरुजी ने मना किया हुआ वहां पे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि वो 7 सीढ़ियां गुरुजी ने अलग अलग नाम दिए हैं उसके, कई है वो क्रोध की है, कोई कैसी है, शायद गुरुजी ने अपने नाम दिए हैं, मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा, तो ये गुरुजी का सत्संग है। लेकिन वो 7 जो सीढ़ियां गुरुजी ने बनवाई है ना, जहाँ पे वो हम 7 व्हाइट कलर की सीढ़ियां ऐसे करके बनी हुई है गुरुजी के बड़े मंदिर, जब हम अंदर दरबार की तरफ जाते हैं तो वहां पे मत्था नहीं टेकना है हमें, गुरुजी मना करते थे कि वहां से हमें उनको दबाते हुए जाना है, सीढ़ियों को हमें वहां से चढ़ के जाना है उन चीजों के, वो हमारे अंदर है। वो 7 वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सॉरी गुरुजी अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी शायद, तो वो 7 वर्ड्स गुरुजी ने बोले वो 7 सीढ़ियां हैं, तो वहां से हमें जाना है, वहां झुकना नहीं है, तो ये चीज आप रिमाइंड करना आज के बाद नहीं झुकना, जो संगत झुकती है वहां पे, तो गुरुजी ने मना किया है साफ ही, ठीक है। ऐसे गुरुजी के पास गए, जो सीढ़ियां गुरुजी ने बनाई हुई है ना उसकी पहली सीढ़ी पे गुरुजी बैठे हुए शिवरात्रि वाले दिन ड्रीम में मेरे, और पता गुरुजी ने कौन सा रूप लिया हुआ? भोले जी का, बिल्कुल भोले जी का रूप लिया हुआ, साक्षात भोले जी बने हुए, बस फेस गुरुजी का था, ये देखो आप, फेस हमारे गुरु पापा का था, बिल्कुल सेम,
जय जय गुरु जी, जय डिवाइन दर्शन दे वो, बहुत डिवाइन टेलीपैथी गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए मुझे, पता है बहुत बहुत शुक्राना। पूरा रूप नीचे से ऊपर तक गुरु जी का, भोले जी का कपड़े पहने हुए गुरु जी ने, जो भोले जी के अपना जो कपड़े पहनते थे वो, जो गुरु जी का अपना जो भोले जी का चोला होता है ना ब्राउन वाला, वो वाला जो गुरु जी ने अपना ड्रेस पहनी हुई, गुरु जी ने, हमारे पापा ने, गुरु जी ने, महाराज ने, महाशिव ने, हमारे फाइव है वो, सेवन है वो, सेवन है मे बी। श्याम सुंदर शर्मा आंटी अंकल जो भी हैं आप संगत जी, वो सेवन है मेरे हिसाब से शायद, बाकी अगर आप कह रहे फाइव है तो शायद फाइव होंगी। ठीक है, तो जो भी है भूल चुक माफ करना मेरे गुरुजी, अगर आप कह रहे हैं फाइव है तो फाइव होंगी। तो गुरुजी वहां बैठे हुए, उन्होंने भोले जी के दर्शन दिए और साक्षात भोले जी के दर्शन, और पता है कौन से भोले जी के दर्शन, शिवरात्रि पे, वो जो भोले जी का आपने काफी फोटोज में देखा होगा, जिसमें भोले जी अपना वो करते हैं जो बैठे हुए होते, मैंने कई फोटोज में देखा है, मैं समझा नहीं पा रही। तो गुरु जी बैठे हुए ऐसे करके, अपना ऐसे करके, पैर ऐसे करके वो बैठे हुए हैं गुरु जी, और गुरुजी ने पूरा प्रॉपर अपनी ड्रेस पहनी हुई है। तो मैं ना वहीं गई हूँ, गुरुजी से मिलने गई हूँ, बड़े मंदिर गई हूँ, तो गुरुजी सीढ़ियों पे बैठे हैं, तो मैं उनको देख के बड़ी मुस्कुरा रही, मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने भोले जी का रूप लिया हुआ है। तो मैं बड़ी मैं खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने तो फर्स्ट टाइम ये रूप लिया है, मैं तो आपको कभी जानती भी नहीं थी, आप ये वाली ड्रेस भी पहनते हो, मैं बातें कर रही हूँ गुरुजी से। तो गुरुजी कह रहे हाँ जी, गुरुजी पंजाबी में, हाँ जी मैं तो ये भी पहनता। तो ऐसे मेरा ड्रीम एकदम से ना टूट गया, इतना हुआ मेरा ड्रीम टूट गया। और जैसे ही मेरा ड्रीम टूटता है ना, हमेशा जब भी गुरुजी आते हैं, ये ड्रीम नहीं होता, ये गुरुजी खुद आते हैं दर्शन देने, कभी भी ड्रीम नहीं होता। ड्रीम में आना, गुरुजी कहते थे मेरा सपना कोई ले ही नहीं सकता, मैं आ ही नहीं सकता किसी के सपने में। और जिसके सपने में गुरुजी आते हैं ना, जिसको ब्लेस करना है, वो साक्षात गुरुजी अपना दर्शन देने आते हैं, दर्शन दिखाने आते हैं, अपने आप को ब्लेस करने आते हैं। तो मैं बहुत खुशी नसीब समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि सबसे ज्यादा गुरुजी मुझे ड्रीम में ही ब्लेस करते हैं, पल पल हर दिन ब्लेस करते हैं मुझे। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाओ गुरुजी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मॉर्निंग हुई, तो ये सुबह 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 का सपना था, तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह वाह गुरुजी आज तो शिवरात्रि थी और आपने साक्षात भोले जी के दर्शन दिए, आप तो हो ही महाशिव, आपसे बढ़कर तो ऊपर तो कोई है ही नहीं। सब गुरुजी को माथा टेक के सुबह होती है सभी की। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए। उसके बाद जिस दिन जल था, तो सब जल चढ़ाने जाते हैं, जल वाले दिन जब कांवड़ लेने जाते हैं और जब सावन आता है तो रोज ही जल चढ़ता है हर सोमवार को। तो उस दिन मेन था जल वाला दिन था, एंड वाला जो होता है गुरुजी का, तो उस दिन भी गुरुजी ने दर्शन दिए। तो जैसे ही मैं जल चढ़ा के आई सात संगत जी, जैसे ही मैं जल चढ़ा के अपने घर आई ना वापिस, हमारे चौखट पे नाग सांप के इतना छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा होगा शायद, ज्यादा भी छोटा नहीं था, इतना बड़ा, बहुत बड़ा लगता है वो सामने से, साक्षात नाग देवता जी के दर्शन हुए। मैंने कहा वाओ गुरुजी, वाओ गुरुजी आपने इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए, जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप हमेशा अंग संग रहते हो, तो ये गुरुजी का मिरेकल है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है, जो गुरुजी कहते हैं शेयर किया करो। इसका मतलब क्या है, गुरुजी को क्या करना है, मन से याद करना है गुरुजी को, ठीक है। कुछ कभी भी परेशान नहीं होना, गुरुजी के बच्चे को तो परेशान होना ही नहीं है, मैं बार बार ये समझा रही हूँ कि आज के टाइम में सब परेशान रहते हैं, आई नो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब गुरुजी साथ है ना तो फिर डरने की क्या बात है यार, डर मत करो, ये गुरुजी बैठे हैं। और ये मैं सबको समझाती हूँ जो भी मेरे से बात करता है, सो मैं सबको ये बोलती हूँ, मैंने कि गुरु पापा हैं, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेनी है, पेशेंस रखने हैं। जब महाशिव का हाथ हमारे सर पे है तो और क्या होगा, और क्या चाहिए हमें, सब कुछ है हमारे पास। ऐसे करके गुरुजी ने बहुत सारा ब्लेस करा। अब आई गुरु पूर्णिमा, आपको पता है गुरु पूर्णिमा उसके बाद ही आई है ना, शिवरा उसके जल के बाद गुरु पूर्णिमा आई। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरा बड़ा मन हुआ, मैंने कहा सेवा तो रुकी हुई है बड़ी दिन से, मैं सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी, तो आज चाहे छोटा सा सत्संग करवा दो, दो लाइन का करवा दो, कहीं तो इनवाइट भेज दो, कहीं तो मैं आपका दरबार लगा लूं और सत्संग कर लूं, ना घर पे हो पा रहा है ना बाहर हो पा रहा है, कुछ तो मैं आपकी सेवा कर लूं। आज का दिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के दिन तो मैं आपकी सेवा कर लूं। आपको पता है गुरु जी कैसे सुनते हैं,
बड़े सुबह से मैं बड़े परेशान हो रही। मैंने कहा गुरु जी मैं आपकी सेवा कर लू सेवा कर लू। शाम हो गई, पूरा गुरु पूर्णिमा वाला दिन निकल गया। मैंने कहा बड़े मंदिर नहीं जा पाई, सेवा नहीं कर पाई, गुरु जी कुछ तो दे दो थोड़ा सा, आज के दिन आज तो आप भी का दिन है गुरु जी, वैसे तो आप सुनते ही हो और हमेशा मैंने आपको आपसे मांगा है कुछ तो दो। तो गुरु जी खाली नहीं छोड़ते हमेशा देते हैं। तो आपको पता है शाम को 9 बजे जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग होता है शुक्राना पे, शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टी लिंगुअल फेसबुक पेज भी है, जूम भी है। तो वहां पे डेली 9 बजे सत्संग होता है ओल्ड संगत का, वहां पे सभी ओल्ड संगत आते हैं सत्संग शेयर करने। तो वहां पे उस दिन सत्संग था किसी संगत का और मैं हमेशा ज्वाइन भी करती हूँ जैसे जैसे जब जब गुरुजी करवाते हैं। तो मैं सत्संग सुन रही थी उनका, 9 बज गए 9:30 हो गए। मैंने कहा पूरा दिन निकल गया गुरु पापा, काश मैं आज आपका सत्संग कर पाती, एक लाइन आपके लिए भी बोल पाती, मैं भी बोल पाती आज। कितना लकी दिन है, आज के दिन सब सत्संग कर रहे हैं और बड़े मंदिर भी गए और मैं नहीं जा पाई, ना मैं बड़े मंदिर गई ना सत्संग कर पाई। सुबह से बोल रही थी मैंने, उस टाइम यही बैठ के मैं सत्संग सुन रही थी। उस टाइम मैंने कहा गुरु पापा आप ना एक बार एक लाइन में बोल लूं, आपको पता उस दिन क्या हुआ? तो वो जो संगत सत्संग कर रहे थे ना, तो उनके जल्दी फिनिश हो गया, उनको कहीं जाना था शायद, मे बी उनका जल्दी अपना फिनिश हो गया, ये गुरु जी करवा रहे होंगे। तो जो वहां के जो एडमिन थे ना उस सत्संग के, तो उन्होंने मेरे को बोला ओवर टू यू माई आंटी, आप सत्संग शेयर करें। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, देखो मैं सुबह से बोल रही थी गुरु जी की जान खा रही थी, गुरु जी प्लीज सत्संग करवा दो, चाहे 2 लाइन का करवा दो। देखो रात होते होते गुरु जी ने सत्संग भी करवाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, इतना सुनते हैं इतना सुनते हैं, बस गुरुजी से दिल से बोलने की देरी है। गुरुजी बिन बोले हैं सबके जानदार, गुरुजी सब जानते हैं, इतने प्यारे हमारे गुरुजी। तो ऐसे करके गुरुजी ने इतनी सारी सेवा बख्शी, सावन पर ड्रीम दर्शन दिए, इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। आपको पता है उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे को एक ड्रीम आया, नहीं सावन वाले दिन वही उसी जल वाले दिन जिस दिन मेरे नागदेवता जी के दर्शन हुए, तो उस दिन ना मेरी मम्मा ने मुझे मेरी मम्मा ने कहा कि जितने भी भगवान जी ना उनको हम अपने तरफ से मतलब कपड़े पहनाएंगे, जो वो बना हुआ होता है शिवलिंग के आसपास चारों पांचों ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी बैठे होते हैं, तो हम उनको ना अपने हाथ से कपड़े पहना के आएंगे। तो मम्मा ने ना खुद सिले वो कपड़े, ठीक है, तो मम्मा ने खुद सिले वो कपड़े, चारों भगवान जी के सिल लिए। तो बीच में भोले जी की पिंडी होती है, आपने देखा ही होगा जल चढ़ाने जाते हो, बीच में गुरु जी की वो होती है शिवलिंग होती है, पिंडी बनी हुई होती है। तो शिवलिंग के लिए ना मम्मा भूल गए, चारों भगवान जी के लिए सिल लिए, गौरा जी के लिए लहंगा सिल लिया, गणेश जी के लिए, नंदी जी के लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए, सबके लिए सिल लिया। लेकिन जो बीच में वो थे गुरु जी, हमारे गुरु पापा भोले जी बैठे थे, उनकी शिवलिंग थी उस पर मम्मा भूल गई, उनके लिए चोला सिलना, सबके लिए सिल लिए थे। तो घर पे आई फिर मम्मा को याद आया, ओहो मैं तो भोले जी के लिए मतलब शिवलिंग के लिए तो मैं भूल ही गई चोला। तो तू ऐसा करियो, तू अगले सोमवार को जाएगी ना, कोई बात नहीं, तू जल के बाद जली जाइयो, अगले सोमवार को जब भी जल चढ़ाएगी तो तू जल भी जब चढ़ाने जाना तो एक हैंकी लेके, कोई बात नहीं अब तो मैं सिल नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मा जॉब भी करती है, तो मम्मी ने एक ही बार मशीन रखी, मम्मी कह रही शायद अब हो भी नहीं पाएगा, और जिस चोले में से मैंने सिली थी ना उसमें कपड़ा भी नहीं है अभी, तो अभी तू बाहर से लेके हैंकी वगैरह कुछ भी रूमाल तौलिया गुरु जी को चढ़ा दियो, मतलब आप शिवलिंग पे चढ़ा दियो एक अपनी तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखो गुरु जी को कैसे चोला पहनना था, मेरे लिए तो वो गुरु जी है ना, भोले जी तो गुरु जी है ही, तो मेरे लिए तो सारे भगवान जी गुरु जी है, तो मैं तो सब भगवान का रूप अपने गुरु पापा में देखती हूँ। और आप भी अगर आप साईं बाबा जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, बस गुरु जी को याद करो, गुरु जी आपको उन्हीं का रूप में दर्शन देंगे। तो मैंने कहा गुरु पापा आपका तो चोला रह गया, अब मैं बाजार से कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वहां पे शिवलिंग, देखो हमारे गुरुजी कुछ नहीं मांगते लेकिन ये हमारी श्रद्धा होती है कि मम्मा ने वहां पे सब भगवान जी के चोले सी लेते, लेकिन वो शिवलिंग रह गई थी। तो जिस रात जल वाले रात जिस दिन मुझे ड्रीम आया था, उसी दिन उसी अगले दिन मुझे ड्रीम आया जिस दिन मम्मा ने चोला पहनाया। तो हमारे घर में सत्संग हो रहा है, हमारे घर में सत्संग हो रहा है और गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, और गद्दी पे गुरुजी ने पता है कौन सा चोला पहना हुआ है, जिस चोले में से मेरी मम्मा ने सभी भगवान जी के वो सिले थे, चोले सिले थे, सबकी ड्रेस सिली थी। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, देखो ड्रीम में भी गुरुजी ने मेरे से वही मांगा, मतलब गुरुजी ने वही पहना, मांगा नहीं पहना, वो भोले जी ने वही पहना, क्योंकि गुरुजी तो कहते थे मैं अपना चोला पहन के आंदा,
तू मैनू चोला पहनाएगी, मैं अपना पहन के आता। वो हमारा आसन होता है जो हम गुरु जी के लिए बिछाते हैं। ये चोला नहीं है, ये आसन है, इसे हम चोला बोलते हैं। गुरु जी अपने चोले पहन के आते थे, गुरु जी कहते थे मैं अपना चोला पहन के आवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा गुरु जी, तो जो मुझे ड्रीम आया तो उसपे पता है चोला क्या पहनाया हुआ, वही वाला चोला जिसमें से मम्मी ने सबके सी लेते हैं। तो मैंने अगले दिन मैंने कहा सुबह मम्मी मुझे ड्रीम आया और गुरुजी का सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने सत्संग में चोले पे हमने वही चोला बिछाया हुआ है मेहरून कलर का जिसमें से आपने सभी के लिए सभी भगवान जी के चोले सिले थे, गुरुजी को वही चोला पहनना है। तो देखो ऐसे हमारे गुरुजी, तो गुरुजी पल पल साथ रहते हैं, पल पल आपको ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, गुरुजी हैं, साक्षात गुरुजी हैं, कहीं नहीं गए। तो गुरुजी को बस दिल से याद करना है, गुरुजी से अरदास करनी है। गुरुजी जल्दी से इस कीचड़ से निकालो, बुरा समय निकालो, क्योंकि आजकल इतना बुरा समय आ गया है ना सारा संगत जी, बहुत बुरा समय आ गया है, बहुत बुरा आ गया है। किसी ना किसी को कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, पता नहीं कौन कौन से इशूज होते ही रहते हैं। तो इसलिए गुरुजी से क्या करना है, गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी बस दो पल की जिंदगी है ये, अच्छे से कट जाए गुरुजी, शांति से बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आपकी सेवा में जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है ना, लाइफ इतनी सुंदर हो जाती है ना सत्संग जी, जब गुरुजी साथ रहते हैं तो इतनी सुंदर लाइफ हो जाती है। और मेरी तो बहुत ही गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा, आपने सत्संग सुने जो जो आज गुरुजी ने बुलवाया, गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना सत्संग जी, फील करा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल जो हमारे मन में चलता है ना वो गुरुजी बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली करके गुरुजी करके दिखाते हैं। और आपको पता है गुरुजी इतने प्यारे हैं और इतने प्यारे ही हैं, बहुत प्यारे हैं। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो गुरुजी अपने घर में रहते नहीं थे ज्यादातर, है ना, वो बाहर रहते थे। तो बाहर इसलिए रहते थे क्योंकि वो पाठ करते थे रातों को। और देखो कोई भी माँ बाप जब उनके, जब गुरुजी हुए थे, बापूजी का भी वो हुआ, ठीक है, मतलब बापूजी भी गुरुजी के चरणों में ही है। देखो वो तो महाशिव हैं गुरुजी, और बापूजी का अलग अलग शुक्राना जो हमें गुरुजी दिए उन्होंने, माता जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमें गुरुजी दिए। तो जब गुरुजी बहुत छोटे थे ना जब हुए थे, तो शिव अंकल का मैं आपको बता रही हूँ, शिव अंकल इतने प्यारे हैं, और मैं भी शायद शिव अंकल से कभी मिल पाऊँ, मेरी ये तमन्ना है बहुत। नहीं भी मिल पाऊँ तो उनका लाइव सत्संग सुन पाऊँ, क्योंकि मैंने लाइव सत्संग भी नहीं सुना उनका आज सर। मेरा बड़ा मन करता है, मैं रोज गुरुजी से कहती हूँ एक दिन शिव अंकल का सत्संग सुनवा दो। गुरुजी की ब्लेस्ड संगत, जो गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी के फ्रेंड थे वो, मतलब बेस्ट फ्रेंड थे वो उनके। तो अंकल बताते थे कि इतना, गुरुजी का नाम था निर्मल सिंह हमारे गुरुजी का, तो सब गुरुजी को गुरुजी के नाम से कोई नहीं जानता था पहले, बस उनकी मम्मा उनको बोला करती थी गुरुजी को। सबसे पहले गुरुजी किसने बोला था, उनकी मम्मा ने बोला था, ये शिव अंकल ने भी बताया और मेरे संगत में भी सुना है ये। तो सबसे पहले उनकी मम्मा बोला करती थी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी क्या करा करते थे, पाठ किया करते थे गुरुजी, शायद ही गुरुजी बुलवा रहे हैं सत्संग में। तो गुरुजी पाठ किया करते थे। जब गुरुजी धीरे धीरे बड़े हुए, अब वो 10th उनकी 12th हो गई, कॉलेज का टाइम आया, गुरुजी ने कॉलेज भी किया हुआ है अपना, तो गुरुजी ने इकोनॉमिक्स ली हुई थी, कॉलेज में भी गुरुजी पास हुए। लेकिन गुरुजी जब पढ़ते थे तो वो तो भगवान थे, वो तो बिन पढ़े भी पास हो जाते थे, है ना। लेकिन हमें क्या पता भगवान हमारे पास आए हुए हैं, वो तो इंसान का रूप लेने आए थे, हमें तारने आए थे, हमारा कष्ट काटने आए थे, बस वो इसलिए आए थे, और हमने उनको इंसान माना था, है ना। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इंसान, और जबकि हम न्यू संगत को तो बहुत ज्यादा ब्लेस होना चाहिए, क्योंकि हम उनको सिर्फ सीधा भगवान के रूप में पूजते हैं, और जो पहले ओल्ड संगत थी ना तो उनको एक नॉर्मल पर्सन माना करते थे। लेकिन गुरुजी कौन थे, महापुरुष थे, भगवान थे, महाशिव थे वो, उन्होंने सिर्फ अवतार लिया था, जैसे साई बाबा आए थे वैसे गुरुजी आए। गुरुजी क्या कहते थे, साई बाबा तो मेरे दोस्त था, हाँ मैं तो उसके साथ रहता, हाँ। तो महापुरुष थे साई बाबा भी और गुरुजी भी। तो गुरुजी महाशिव का रूप, भोले जी का रूप, तो गुरुजी भोले जी का बड़ा पाठ किया करते थे रातों रातों को बैठ के, घर में रहते नहीं थे। तो डुगरी धाम, जो डुगरी गांव है गुरुजी का, वहां गुरुजी रहते थे, है ना, आपने देखा ही होगा गुरुजी का घर, जहां बापू जी भी रहते थे अभी, और रहते भी हैं, बापू जी भी वहीं हैं, गुरुजी भी वहीं हैं, सब वहीं हैं। हम आज भी जाएंगे मिलने तो हमें गुरुजी भी मिलेंगे, बापूजी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे,
कहीं नहीं गया कोई भी, सब गुरुजी अपना परिवार छोड़ के गए हैं। तो जैसे ही मतलब शिव अंकल, जब इनका वो चल रहा था, कॉलेज चल रहा था गुरुजी का, तो शिव अंकल उनके साथ पढ़े शुरू से स्कूल में। तो पहले तो गुरुजी रहते थे शुरू से, गुरुजी तो हुए वहीं थे, तो शिव अंकल वहां पे पहले हुए थे चंडीगढ़ में, फिर शिव अंकल आए डुगरी में। डुगरी में शिव अंकल अपना, उनका अपना घर था, सॉरी वो अपने घर नहीं था अपना, वो किसी फैमिली वालों के साथ रहते थे शिव अंकल जी। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब उनके पहले मुलाकात ऐसे हुई कि गुरुजी अपना स्कूल जाते थे, जिस स्कूल में उसी स्कूल में शिव अंकल का एडमिशन हुआ एक ही क्लास में। गुरुजी किसी से बोलते नहीं थे, तो वही बात। तो सभी लंच का टाइम था और सभी बच्चे अपना खेल रहे थे। ये गुरुजी के 9th-10th की, मैं आपको बात बता रही हूँ, तो ये 9th-10th की बात थी। गुरुजी अपना खेला करते थे, सॉरी सभी बच्चे अपना खेला करते थे, गुरुजी शांत अपनी क्लास में बैठा करते थे लंच में। सब अपने नीचे ग्राउंड में खेला करते थे, शिव अंकल बताते थे, कहते थे गुरुजी अपना बैठे रहते हैं, अपना समाधि लिए हुए बैठे रहते थे। अब मैं, बच्चे थे वो, तो वो भी बच्चे थे, 9th-10th में भी बच्चे ही होते हैं, छोटे ही थे। तो शिव अंकल भी, उनका नया नया एडमिशन हुआ था, जब उनकी फर्स्ट मतलब मीट हुई थी गुरुजी और शिव अंकल की, बता रही मैं फर्स्ट, तो उनकी स्कूल में ही हुई थी। तो अब साथ में आप भी सोचोगे कोई खाली बच्चा बैठा है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, मेरा पहला दिन है। तो शिव अंकल ने पास गए गुरुजी के, गुरुजी से कहा आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला निर्मल सिंह। तो उन्होंने बोला आप मेरे फ्रेंड बनोगे, तो शिव अंकल, गुरुजी ने बोला हाँ जी, तो वो उनके फ्रेंड बन गए। और वो कहीं नहीं गए, पता है शिव अंकल को कितना प्यार करते थे गुरुजी, शिव अंकल सबको ही करते हैं वो, तो शिव अंकल को बहुत प्यार करते थे, गले लगा लगा के रोते थे इतने, क्योंकि शिव अंकल को कभी छोड़ा ही नहीं है गुरुजी ने, वो खुद ही नहीं जाने देते थे शिव अंकल को, मना करते थे, कहते थे तुम कहीं नहीं जाओगे, उनके बिना रहते ही नहीं थे गुरुजी, शिव अंकल के बिना नहीं रहते थे, और शिव अंकल गुरुजी के बिना नहीं रहते थे। तो ऐसे करके गुरुजी की 9th-10th कॉलेज का टाइम आ गया, और फिर कॉलेज के टाइम में तो शिव अंकल गए घर पे बापूजी से बात करने, उनके पापा जो शिव अंकल के जहाँ रहते थे उनकी फैमिली में, तो वो पड़ोसी हो गए। अब इनकी बात हुई तो शिव अंकल ने कहा बापूजी मैं तो यहाँ से जा रहा, मेरा तो कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, 3rd year उनका कंप्लीट हो गया था शिव अंकल और गुरुजी का, मैं तो डुगरी से जा रहा हूँ चंडीगढ़ अपने घर वापिस। तो अब तो, और निर्मल सिंह तो मना करता रहता है, निर्मल सिंह कहता है कि मैनू अपने साथ लेके चल, मैनू अपने साथ लेके चल, मैं तो तेरे बिना रहूंगा नहीं, मैं तो तेरा दोस्त हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं, तो गुरुजी पंजाबी बोलते थे। तो बापूजी से बात करी, बापूजी से कहा कि देखो कैसे जिद कर रहा है बापूजी, तो शुरू से बापूजी को बापूजी ही बोलते थे, गुरुजी के फादर को बापूजी ही बोलते थे, तो शिव अंकल भी बापूजी बोलते थे, बापूजी देखो निर्मल सिंह तो बड़ा जिद कर रहा है, मैनू भी जाना अपना घर छोड़ देगा। तो बापूजी ने कहा ये तो वैसे ही नहीं मानता है, ये तो पता नहीं रातों को क्या क्या करता रहता, तुम उन्हें ले जा, तुम एक ही साथ रहो। तो गुरुजी भी चले गए चंडीगढ़, उनके साथ शिव अंकल के साथ चले गए चंडीगढ़, चले गए रहने के लिए। तो फिर सब जब चंडीगढ़ आए शिव अंकल, तो शिव अंकल की फिर शादी हुई, शिव अंकल ने तो शादी के लिए अपना पूरा फ्यूचर देख, भाई देखो वो तो वो भगवान थे, वो एक इंसान थे, इंसान है ना, लेकिन गुरुजी तो भगवान है, उनका ओहदा तो भगवान वाला ही रहेगा ना। तो शिव अंकल बोला करते थे अब तो नू मेरे साथ तो आ गया, अब मेरे साथ ही रहकर। तो शिव अंकल आए घर वापिस अपने चंडीगढ़ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, ब्लेस यू, ब्लेस यू। तो जब शिव अंकल अपना घर पे आए चंडीगढ़, तो उन्होंने 2 रूम लिए, एक लिया गुरुजी के लिए, एक लिया अपने लिए। तो गुरुजी कहते थे मेरे लिए अलग रूम लियो तू, तेरे लिए अलग रूम लिया तू, क्योंकि मैं तो अपना अलग रहूंगा, रहना तेरे साथ ही लेकिन अलग रहूंगा गुरुजी को, क्योंकि पाठ करना होता था, हमारे गुरुजी को कष्ट काटने होते थे, इसलिए गुरुजी पाठ करते थे। तो गुरुजी ने बोला अलग रूम लियो, तो 2 रूम लिए शिव अंकल ने, एक गुरुजी के लिए और एक अपने लिए। फिर शिव अंकल की शादी हो गई अपनी, तो जो गुरुजी की अंकल की आंटी आई, वाइफ आई शिव अंकल जी की, तो वो तो शिव अंकल तो अपने काम के लिए निकल जाया करते थे, सुबह सुबह अपना काम के लिए निकल जाया करते थे शिव अंकल तो, और उन्होंने अपने काम के लिए बहुत मेहनत करी, वो काम भी नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली को भी देखना था। लेकिन गुरुजी क्या करते थे, पूरे दिन अकेले रहते थे अपने कमरे में, पाठ करते थे। तो उनकी वाइफ रोज कहती थी आपका दोस्त तो रहता अकेले अकेले, कमरे से बाहर भी नहीं निकलता है, कैसा दोस्त है आपका, तो बड़ा अजीब सा है, बातें भी नहीं करता, किसी से बोलता भी नहीं है, उन्हें क्या पता भगवान जी है। तो
ये तो महाशिव है, गुरु जी है मेरे, तो बोलते ही नहीं ये तो बड़े परेशान होती थी वो। तो शिव अंकल कहते थे सुबह के जाते हो तो शाम को आते थे घर, तो वो गुरु जी के रूम में आते थे, फिर कहते थे क्या करते रहते तू पूरे दिन, तो कहता नहीं तो मैं तो पाठ करते रहता, क्योंकि गुरु जी ने सबसे पहले शिव अंकल ने गुरु जी का शिव रूप देखा था, गुरु जी का शिव रूप सबसे पहले शिव अंकल ने ही देखा था जब वो पाठ करते थे सबसे पहले, तो उन्हें पता था कि मेरा दोस्त तो पाठ करता है, उन्हें सब पता था, उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था उस टाइम था, लेकिन उनकी वाइफ को वो समझाते थे तू इन्होंने खाना दे दिया कर दोनों टाइम, और एक मटका ला पानी का भर के रख दे उसके रूम में, उसे जब प्यास लगी वो आपे पी लेगा, ऐसे करके बात करते थे। तो उनकी वाइफ उनको गुरु जी को खाना देने जाती थी दिन में शाम को, तो ऐसी कैसी थाली रखी रहती थी, गुरु जी कुछ खाते ही नहीं थे, गुरु जी अपना आंखें बंद करके अपने समाधि लिए हुए बैठे रहते थे, ओम नमः शिवाय करते रहते थे गुरु जी, ये उनकी वाइफ ने बताया हुआ सत्संग। तो शिव अंकल ने बताया इस सत्संग, तो शिव अंकल एक दिन बड़े परेशान हो गई, बड़ा रोज उनकी वाइफ बोलती शिव अंकल को आपका दोस्त कुछ नहीं खाता, मैं रोज थाली लेके जाती हूँ, खाना का खाना ऐसे रखा रहता है, वापिस ले आती हूँ, मटका अभी तक भरा हुआ है, वो थोड़ा सा भी खाली नहीं हुआ है, ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं आपके दोस्त। तो शिव अंकल भी परेशान हुए, शिव अंकल रोने लग गए, एक दिन रोने लग गए बहुत ज्यादा। रात को आए अपने ड्यूटी पे से गुरु जी के रूम में गए, गुरु जी ने आंखें बंद करी हुई थी, मुस्कुराते हुए आंखें बंद करी हुई समाधि लिए हुए, तो उन्होंने कहा तू खाना तो खा लिया कर भाई, ऐसे करके बोला था, मैं उनके वर्ड्स बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही, गुरु जी बुलवा रहे हैं, भाई तू खाना तो खा लिया कर, तूने ना खाना खाया ना पानी पिया, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तू मेरे बिना नहीं रहता मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा भाई, ऐसे करके। तो फिर गुरुजी बहुत रोए, गुरुजी की भी आंखों में आंसू आ गए, उनको देखी गले लगा लिया शिव अंकल को, तू मैनू इतना प्यार करदा, मैनू कुछ नहीं होगा, मैं बिन खा पी तूने देखा ही नहीं मैं हूं कौन, मैं कहां रहता हूं, तुझे पता है मैं तेरे कमरे में थोड़ी ना रहता, मैं तो वहां रहता हूं, मैं तो ब्रह्मांड में रहता हूं, मेरा घर तो वहां है, मैं तो वहीं खाता पीता हूं, मैं यहां थोड़ी ना कुछ खाता पीता हूं, ऐसे करके बोला। तो शिव अंकल के रोंग रंग खड़े हो गए, बहुत रोए वो, कहते नहीं तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहे, तू मेरे अगर तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बापूजी को मैं क्या बोलूंगा, क्या हो गया मेरे दोस्त को, कुछ हो गया तो चक्कर वक्कर आ गए तो तेरे को, ऐसे करके बोला। तो गुरुजी ने उनकी तसल्ली के लिए खाना खाया उस दिन का दिन, आज का दिन गुरु शिव अंकल जी कहते हैं उस दिन था, ठीक है ऐसा हो गया, गुरुजी ने खाया, फिर अगले दिन हो गया, अगले दिन ऐसा हुआ गुरुजी अपने जो है वहां से बिन बताए शिव अंकल को चले गए, कहाँ चले गए गुरुजी, वहां चले गए जलंधर मंदिर, सुना होगा आपने चंडीगढ़ में जो है, शायद जलंधर मंदिर, शायद चंडीगढ़ अलग है जलंधर अलग है गुरुजी का, मैं नहीं गई मैंने सुना है, गुरुजी वहां चले गए जलंधर में जहां गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी ने वहां फिर संगत करी, गुरुजी ने वहां से संगत शुरू करी, पहले गुरुजी चंडीगढ़ संगत क्या करते थे चंडीगढ़ में, जो जो रूम लिया था ना गुरुजी ने, जो उन्होंने रूम लिया था जहां पे गुरुजी बैठ के पाठ करते थे, वहां से गुरुजी ने संगत शुरू करी थी अपनी, पहली संगत गुरुजी ने अपने माली के लड़के, गुरुजी के वहां पे माली थे जो गुरु जो पौधों को वो रक्षा करते थे, उनके उनके लड़के की तबीयत खराब थी, तो गुरुजी ने उनसे पूछा एक दिन, जो शिव अंकल के घर रहते थे जो उनके पौधों की रक्षा करते थे, तो गुरुजी ने पूछा एक दिन उनको अपने पास बुला के, तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी, गुरुजी तो जानते ही थे सब, गुरुजी हैं गुरुजी के नाम से सब गुरुजी को जानते थे, हाँ गुरुजी आपको कैसे पता, कहते मैंने तो सब पता है, और बेटा तो मरने लायक था, उनका छोटा सा बेटा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था 8-10 साल का, तो गुरुजी ने उनको कहा एक लोटा लाना, और गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, रुद्राक्ष की माला पहले हुआ करती थी, पहले लॉकेट नहीं हुआ करते थे गुरुजी के, है ना, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो इतने लॉकेट्स नहीं हुआ करते थे, तो गुरुजी का कोई लॉकेट नहीं था, जो गुरुजी ने ब्लेस करा, गुरुजी ने रुद्राक्ष की माला पानी में डाल के उसको जल ब्लेस करके मंत्र जाप करके फूक मार के उस टाइम गुरुजी ने उनको दिया उनके बेटे के लिए, उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, और मरने वाली हालत थी उस बच्चे की, कि पहला चमत्कार था गुरु जी का, शायद आज गुरु जी ने सभी संगत को सुनाना था, अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सत्संग में शिव अंकल से सुना है, शिव अंकल ने खुद सुनाया, पहला चमत्कार था गुरु जी का, मतलब पहली संगत जो गुरु जी ने करी थी,
उस दिन का दिन जो वो माली था ना, वो गुरुजी के पास संगत लेके आया करता था। कहता था यहाँ तो गुरुजी बैठा करते हैं। और पता क्या होता था, जो उनकी वाइफ थी ना, तो शिव अंकल को नहीं पता था ये सारी बातें। पूरे दिन में हो गई ये बातें, उनका लड़का ठीक हो गया। एक दिन माली आया तो उन्होंने बोला, तेनु पता तेनु आपके जो दोस्त रहते हैं यहाँ पे, गुरु जी उन्होंने मेरे बेटे को ठीक करा है। तो बड़ा शिव अंकल हंसते थे, कहते थे उसने ठीक करा, पूरे दिन पाठ करते रहता, उसने कैसे ठीक करा। ठीक है, उसने ठीक करा होगा, मैं भी जाके उससे पूछूं। तो गुरुजी ने बोला हां जी मैंने तो ठीक करा है। ऐसे करके वो अपने काम पे निकल जाया करते थे शिव अंकल। अब रोज गुरुजी अपने घर पे उनके संगत आया करती थी, माली लेके आते थे रोज दो संगत, दो चार छह आठ दस, आज देखो कितने लाखों करोड़ों की संगत है नहीं है आज, है ना संगत जी। तो उस दिन का दिन वो एक संगत से आज करोड़ों की संगत है गुरुजी की। तो वो रोज आए करते थे, तो जो उनकी वाइफ थी वो परेशान हो गई, कहते थे रोज तुम्हारा दोस्त कमरे में भीड़ लगा लेता है, मेला सा लगा लेता है, पता नहीं किस किस को बुलाता है, क्या क्या करता है। तो बड़ी परेशान होती थी उनकी वाइफ। तो शिव अंकल को बोला करती थी, फिर शिव अंकल ने बोला भाई तू रोज क्या लाइन लगाता है, बता दे मैनू क्या करता है तू। तो गुरु जी कहते थे मैं तो यहाँ रहता हूँ नहीं हूँ, मैं तो ब्लेस करता हूँ ऊपर से, नहीं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, तो मैं तो यहाँ पे बस फिजिकल तुझे दिखता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो ऊपर ही रहता हूँ, अपने घर ही रहता हूँ, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं वहीं से ब्लेस करता हूँ सबको, और मैं तेनू भी बहुत ब्लेस करता हूँ। आपको पता शिव अंकल के बाल बाल ब्लैक हैं आज तक, आपने देखे होंगे इतनी एज हो गई है उनकी, गुरु जी जैसी एज है उनकी, गुरु जी से कुछ महीने ऊपर नीचे था उनका एज, गुरु जी जैसी एज है उनकी, 65 शायद है, 65 से नहीं 60 से ऊपर की है शायद। गुरु जी का भी बर्थडे अभी 67 बर्थडे था मे बी शायद गुरु जी का, तो उनकी भी इतनी एज है। गुरु जी के ब्लैक, शिव अंकल के ब्लैक बाल क्यों है पता है आपको, गुरु जी ने ब्लेस किए हुए ब्लैक हेयर्स उनके, इतनी एज में आज तक उनके व्हाइट बाल नहीं आया, यहां से लेकर पूरे कहीं नहीं आया, पहले उनके व्हाइट बाल आया करते थे। तो बड़े अच्छा सा सत्संग है, बड़े प्यारा सत्संग है, उनके व्हाइट बाल आया करते थे, नॉर्मल एज के हिसाब से सभी के आ जाते हैं, आजकल तो बच्चों के भी आ जाते हैं, आपने देखा ही होगा मेरे भी व्हाइट बाल आ जाते हैं एक आधा, सब के आ जाते हैं आजकल के टाइम में। तो डाई आजकल सब कलर करते थे, तो उस टाइम में शिव अंकल तो कलर वगैरह होते नहीं थे, तो व्हाइट बाल होते थे, तो सब उनकी वाइफ भी उनको बोलती थी कि देखो बुढ़े हो गए हो, कितने जल्दी बुढ़े हो गए हो, तो बड़े परेशान होते थे, सब उनको बोलते थे। उनका काम ऐसा था, आर्मी का काम था उनका, शिव अंकल का आर्मी का काम है, तो उनके लिए उनको बड़ा बैठन के जाना पड़ता था भाई, अच्छे से पूरा सब कुछ अच्छा जरूरी होता है ना मेंटेन रखना। तो वो गुरुजी से बोलते थे, गुरुजी देख ले भाई तेरे दोस्त को सब क्या बोलते हैं, व्हाइट बाल आ गए, व्हाइट बाल आ गए, इन्होंने ब्लेस कर देते, तो सबको ब्लेस करता है, मुझे भी ब्लेस कर दे, उसको ब्लैक कर दे परमानेंट। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, गुरुजी ने बस एक ऐसे हाथ फेरा और वो ब्लैक, वो आज तक ब्लैक है। वो एक आधा बाल आपने देखा होगा बॉयज के यहाँ पे भी बना हुआ होता है ना, बाल छोटे छोटे बाल होते हैं यहाँ पे, तो आज भी मैं आज की डेट में बता रही हूँ आपको, आज की डेट में प्रेजेंट शिव अंकल उनकी कभी कभार व्हाइट बाल यहाँ यहाँ भी आ जाते हैं ना, तो बस वो एक ही बार बोलते हैं देख ले भाई तेरे को दोबारा से भाभी करके, देखो सब जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं ना, ऐसे वो दोस्त दोनों बात करते थे, गुरुजी और शिव अंकल, तेरी भाभी आज भी मेरे को चिढ़ाती है, देख बुढ़ा हो गया तो, देख बुढ़े हो गए हो तुम। तो गुरुजी आज भी उनके ब्लैक बाल हो जाते हैं, शिव अंकल कह रहे हैं मैंने बस बोलने की देर है और गुरुजी ब्लैक कर देते हैं उन बालों को, आज भी मेरे सारे बाल ब्लैक हैं। तो गुरुजी के ऐसे ऐसे चमत्कार है सत्संग जी, शायद ही सत्संग डिवाइन सत्संग ही, तो बहुत डिवाइन सत्संग है जो गुरुजी ने सुनवाया आज सभी को। तो ऐसे हमारे गुरुजी, गुरुजी जलंधर मंदिर आए, वहां पे उन्होंने संगत करी, काफी टाइम वहां पे भी रहे गुरुजी, जलंधर के बारे एम्पायर स्टेट आए गुरुजी, दिल्ली आए, दिल्ली में रहे गुरुजी 10 साल। गुरुजी को क्या था यहाँ पे आने का, उन्हें तो यहाँ पे ब्लेस करना था, उन्होंने पूरा सत्संग सुनाया था मुझे, पूरा दिल्ली तक सत्संग सुनाया था, गुरुजी वहां से बिन बताए आए थे गुरुजी वहां से शिव अंकल को। तो शिव अंकल ढूंढने लग गए थे, साइकिल पे गए थे, अपनी बाइक पे गए थे अपनी ढूंढने गुरुजी को, लेकिन गुरुजी मिले नहीं थे उन्हें फिजिकल फॉर्म में, तो बड़ा रोते थे। एक दिन गुरुजी ने उनको फोन करके बुलाया था दिल्ली, जब मैं तो यहाँ बैठा, हाँ कोई संगत लेके गई थी गुरुजी के पास उनको, वो उनकी फैमिली की थी, तो उन्होंने बोला था हमारे तो गुरुजी हैं, चल वहां पे तुझे भी ब्लेस करूंगा। तो शिव अंकल को अपने दोस्त की याद आ गई,
कि देख मेरा भी एक दोस्त था और उनको भी सब गुरुजी बोलते थे, निर्मल सिंह पता नहीं कहाँ चला गया वो तो मुझे छोड़ के। और आपको पता है फिर वो कहाँ लेके गए, गुरुजी के पास लेके गए उनको, जैसे कृष्ण और सुधामा मिलते हैं ना दूर से गेट से, ऐसे गुरुजी ने उनको हक करा था। वो दोस्त थे वो असली, इतने प्यारे हमारे गुरुजी। गुरुजी से शिव अंकल को तो प्यार करते ही करते हमें भी करते हैं, मेरे कहने का मतलब यही है, गुरुजी हमें भी उतना ही प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करना है गुरुजी से, उनको मांगना है, उनकी सेवा, सत्संग, सिमरन, नाम लेना है। जिस रूप में आप मानोगे, मैं नहीं कह रही गुरुजी बोलो आप, उन्हें कुछ भी बोलो आप, लेकिन जीवन में गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना तो मोक्ष भी नहीं मिलता। इसीलिए तो गुरुजी इतने ही जरूरी है। तो आज गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाया है और गुरुजी ऐसी सेवा बख्शते रहे मेरे मालिक, और सुंदर सुंदर सत्संग करवाए गुरुजी ने आज, अशिव अंकल का भी सत्संग करवाया और छोटे छोटे हमारे भी सत्संग करवाए गुरुजी ने, जैसे जैसे बख्शा गुरुजी ने आज। इसी के साथ गुरुजी से फिर शुक्राना, मालिक का शुक्राना करेंगे और गुरुजी दोबारा से ये दाद बख्शना, क्योंकि टाइम हो भी गया है, टाइम भी हो गया है। ऐसे ही गुरुजी सत्संग देते रहना, बस गुरुजी से कुछ नहीं मंगना। सत्संग जी फिर से गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लो, इस कीचड़ से कर लो बस। जय गुरुजी, जय गुरुजी, इस सत्संग से, इस कीचड़ से निकाल लो हमें गुरुजी बस, और कुछ नहीं मंगना, कुछ भी नहीं मांगना, बिन बोले सब की जानना। गुरुजी सब जानते हैं, जो आपने ड्रीम में नहीं सोचा होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आने वाले टाइम में जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है। गुरुजी ने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ बदला है, बहुत खुशियां दी है गुरुजी ने। जहां लोग दुख देते हैं ना, वहां गुरुजी खुशियां देते हैं। भूल जाओ उन लोगों को, गुरुजी अपने आप डिस्कनेक्ट करवा देते हैं उन लोगों से जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। पता है सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम गुरुजी के बच्चे बन जाते हैं ना, तो हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, हम सबसे डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं उस पर्सन से जो हमें डिजर्व नहीं करता। फिर हम अपना क्या करते हैं, अपना अपना गुरुजी कहते थे अपना काम करो, पूरा दिन काम करो, ये नहीं कि पूरा दिन गुरुजी गुरुजी रटो, नहीं, आप 24 घंटे में से 4 मिनट भी गुरुजी के लिए निकालो, वो भी पूरे अमृत वेला है गुरुजी का, ठीक है। तो बस गुरुजी को याद करना है, मन से याद करना है, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक का, और जैसे गुरुजी ने सत्संग करवाया, गुरुजी ऐसी दाद बख्शते रहना अपनी, गुरुजी के चरणों में एक प्यारा सा शुक्राना करेंगे और उसके बाद फिर गुरुजी से आज्ञा लेंगे, सभी संगत गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का उसका सत्संग कराने के लिए। देखो संगत जी, मैं बहुत छोटी हूँ, तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना सात संगत जी। और लख लख शुक्राना गुरुजी का जो आप सब जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आप संगत में जुड़े और सत्संग सुना आपने, क्योंकि गुरुजी सबको ब्लेसिंग बराबर देते हैं, सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी। अनंत शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा, लख लख शुक्राना। नहीं जाना, नहीं जाना तेरा दर छड के मैं, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना तेरा दर छड के मैं, नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया, हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरुजी भक्त कीता पार करा मैं, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी दा, लख लख शुक्राना। जाप तेरा मैं करती जा, री गुरुजी तुम हो परंपार करा मैं, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी दा, लख लख शुक्राना। उतराया चढ़ाया ने गल दसा आप बीती है, घर सड़े आके गुरुजी तुसा कृपा कीती है।
सत्संग करा के गुरु जी तुसा कृपा कीती है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज का दरबार लगाने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी से आज्ञा लेंगे सात संगत जी, आज्ञा गुरु जी महाराज।